राजस्थान में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, उम्मीदवार लोगों को रिझाने में जुटे हुए हैं। इस कड़ी में महवा के विधायक ओम प्रकाश ने तो लोगों के जूते ही पॉलिश करने शुरू कर दिए। उन्होंने सड़क पर प्रचार के समय लोगों के जूते चमकाए, लोगों से विधानसभा में उन्हें वोट देने की अपील भी की। तो एमएलए ने लोगों के जूते चमकाए हैं, ये चुनावी मौसम है, अनोखा प्रचार यहाँ पर किया गया है। और ऐसे में आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों को रिझाने के लिए जूते चमकाए गए। एमएलए की तरफ से ये किया गया और क्योंकि चुनावी मौसम है, चुनाव नजदीक है, उम्मीदवार लोगों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब ये अनोखा प्रचार है कि कैसे एक दूसरे से आगे बढ़ा जाए। महवा के विधायक है जिनको आप देख रहे हैं, ये ओम प्रकाश इनका नाम है, जिन्होंने लोगों के जूते पॉलिश करने शुरू कर दिए ताकि वोट उनको मिल पाए। आज मतदाता और कार्यकर्ताओं के जूतों की पॉलिश करने का जो हमने संकल्प लिया था, हमारे पूजाराम जी जाटव घेणोली निवासी इनके जूतों की सबसे पहले पॉलिश करेंगे। इससे एक कार्यकर्ता और मतदाता को ये एहसास कराएंगे कि विधायक छोटा होता है, मतदाता बड़ा होता है। सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जाति के नाम पर देश को बांटने का आरोप लगाया। ग्वालियर में प्रधानमंत्री कई विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर देश को जाति के नाम पर बांटने का आरोप लगा दिया। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश को 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। उधर बेलारूस ने एक बार फिर पोलैंड पर सीमा उल्लंघन का ऐसा आरोप लगाया कि दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। बेलारूस के मुताबिक पोलैंड का एक हेलीकॉप्टर उसकी सीमा में जबरदस्ती घुस गया, जिसे उसकी सेना ने कुछ ही मिनटों में खदेड़ दिया। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पोलैंड का हेलीकॉप्टर उसकी सीमा में करीब 1.5 किलोमीटर अंदर तक घुस गया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। पोलैंड जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन का साथी रहा है, जबकि बेलारूस ने रूस से अपनी दोस्ती निभाई, इसीलिए दोनों देश एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। लेकिन अब जब बेलारूस ने पोलैंड पर उसकी सीमा में घुसपैठ करने का आरोप लगाया तो उसने भी साफ कह दिया कि उसका कोई भी हेलीकॉप्टर बेलारूस की सीमा में नहीं घुसा। इस बीच अमेरिका में हुए एक नए सर्वे में भारतीय मूल की निकी हेली रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के योग्य उम्मीदवारों की रेस में सबसे आगे निकल गई। हाल ही में वहां रिपब्लिकन पार्टी की दूसरी बहस हुई थी, जिसके बाद यह सर्वे करवाया गया और उस सर्वे में निकी हेली ने बाइडेन को भी पछाड़ दिया। रिपब्लिकन पार्टी की दूसरी बहस के बाद हुए सर्वे में बाइडेन को 38% तो निकी हेली को 40% लोगों ने पसंद किया। निकी हेली ने इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय मूल के नेता विवेक रामस्वामी को भी पीछे छोड़ दिया। बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बीजेपी जल्द ही राजस्थान में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय चुनाव समिति 39 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगा चुकी है और किसी भी वक्त लिस्ट जारी हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जल्द जारी हो सकती है।